साथ शेयर करूंगी कि मैं अपने जले हुए कुकर को कैसे क्लीन करने जा रही हूं और ये कुकर मैंने कैसे जलाया। कल थी रामनवमी और मैंने इसमें चने उबाले रख के मैं भूल गई और मैं पता नहीं किस दुनिया में चली गई कि मुझे कुछ भी पता नहीं चला और ये हाल हो गया मेरे कुकर का। और चने तो पूछे बहुत सारे वेस्ट हुए और देखिए बहुत थोड़े से चने मिले जो सही थे, बाकी सभी जल गए थे। तो जो थोड़े से मिले मैंने उनका ही प्रसाद बनाया। और जब कोई चीज़ कम होती है तो लोगों को ज़्यादा पसंद आती है, तो कल मेरे साथ यही हुआ। चने इतने टेस्टी बने थे कि सब लोग दोबारा मांग रहे थे। तो बस मेरा काम तो हो गया, प्रसाद मैंने बना लिया था और कुकर को मैंने रात में भिगो दिया था पानी डाल के, और आज मैं उसकी क्लीनिंग कर रही हूँ। तो मैंने कुकर में पानी भरा और गैस स्टोव पे रख दिया, गैस ऑन की और गैस पे रख दिया। और उसके बाद उसमें मैंने ऐड किया 2 चम्मच डिटर्जेंट पाउडर। आप चाहें तो अपना लिक्विड सोप जिससे कि आप बर्तन धोते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। और बस इसको उबलने दीजिए अच्छे से, और अच्छे से इसको बॉयल होने दीजिए खूब अच्छे से ऊपर तक, और फिर सिम कर दीजिए 10 to 15 मिनट्स। इसको बॉयल करिए, आप गैस को सिम करिए और एक चमचा लेके या चम्मच या स्पैचुला लेके आप नीचे का हिस्सा खुरचिए जो बॉटम है, बहुत ही आसानी से सब निकल जाएगा। आपको बिल्कुल भी ताकत नहीं लगानी है, हल्के हाथों से करना है ये। और देखिए गैस ऑन होनी चाहिए, बंद नहीं करनी है। और गैस से उतारने के बाद देखिए कितना क्लीन हो गया है ये, मेरा कुकर कुछ ज़्यादा ही जला था। और फिर मैंने ऐड किया बेकिंग सोडा 2 चम्मच। बेकिंग सोडा और अगर आप विनेगर दोनों चीज़ें एक साथ यूज़ करते हैं तो बहुत ही क्विकली ये साफ़ हो जाता है। आप अगर चाहें तो बिना इसके भी कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मुझे, मेरे पास टाइम नहीं था, मैं बहुत ही, और मुझे दूसरे काम भी आज करने थे। तो मैंने 2 चम्मच बेकिंग सोडा लिया है और लगभग 5 से 6 चम्मच मैंने यूज़ किया वाइट विनेगर। और इसको मैं थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दूँगी, और फिर उसके बाद अपना स्टील का वूल और स्क्रबर जो आपका पुराना हो वो यूज़ करिए, क्योंकि नया अगर आप यूज़ करेंगे तो ख़राब हो जाएगा। नया अगर स्टील वूल आप इसके लिए यूज़ करेंगे तो एकदम से एक ही बार में आपका काफ़ी ख़राब हो जाएगा। तो मैंने स्पेशली इसको क्लीन करने के लिए ग्लव्स पहने, क्योंकि मेरे नाखून में चोट लग जाती है स्टील वूल अगर यूज़ करती हूँ, कभी हाथों में लग जाती है। तो मैं स्टील वूल के साथ में हमेशा ग्लव्स पहनती हूँ। ग्लव्स पहना और मैंने पुराना स्क्रबर और पुराना ही स्टील वूल लेके इसको साफ़ किया। और अगर आप बेकिंग सोडा और विनेगर डालने के बाद क्लीन करते हो तो एकदम जादू होता है, जो नीचे की लेयर होती है वो एकदम फटाफट निकल जाती है, और आपको स्क्रबर को बहुत रगड़ना भी नहीं पड़ेगा, बिल्कुल हल्के हाथों से करेंगे तो ही तुरंत ही निकल जाएगा ये। तो बस जादू हो जाता है इसके बाद और एकदम चकाचक साफ हो जाएगा हमारा कुकर। और ये देखिए चमचमाता हुआ कुकर कितना साफ़ हो गया ये एकदम से चकाचक क्लीन। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरे साथ ये पहली बार हुआ है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करिए और बताइए। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, वीडियोज़ को देखिए, लाइक करिए।